हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिपों के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है जब पार्टनर्स अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दें तो उसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। जब फर्म बंद की जाती है उसका क्या प्रोसीजर होता है। फर्म अपना बिजनेस शट डाउन कर देती है, असेट्स को बेचना शुरू कर देती है, असेट्स से जो पैसा रिसीव होता है उससे लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करना शुरू कर देती है। जब सारी लाइबिलिटीज़ पे हो जाती हैं उसके बाद जो पैसा बचता है उसे पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, आपस में बांट लेते हैं अपनी कैपिटल के रूप में, उसे बोलते हैं फाइनल पेमेंट। ठीक है, तो इस प्रोसेस को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोला जाता है। अच्छा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में इंसॉल्वेंसी के बारे में डिस्कस करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है। अच्छा, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो सकता है, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो सकते हैं एक्सेप्ट वन, और एक होता है तीसरा केस, ऑल पार्टनर आर इंसॉल्वेंट। दोबारा सुनो, इंसॉल्वेंसी में तीन केस होते हैं, व्हेन वन पार्टनर इंसॉल्वेंट, दूसरा होता है ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट एक्सेप्ट वन, एक सॉल्वेंट है बाकी सब इंसॉल्वेंट हो गए, और तीसरा केस होता है सारे ही इंसॉल्वेंट हो गए। अच्छा, जब पहले एक पार्टनर इंसॉल्वेंट की बात करते हैं, जब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो जो उसकी कैपिटल डेफिशिएंसी आती है, मतलब जब उसका जब हम अपनी फर्म क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो जब जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया उसका जो कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है उसे बोलते हैं डेफिशिएंसी। मतलब उसको फर्म को कित वो पार्टनर जो इंसॉल्वेंट है फर्म को कितना रुपया देना चाहता है, बट उसके पास तो पैसा है ही नहीं, तभी तो इंसॉल्वेंट है वो, तो उसकी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, उसके पास एसेट्स हैं नहीं, असेट्स हैं नहीं, तो इसलिए वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। जो उसकी कैपिटल डेफिशिएंसी है, वो जो रिमेनिंग पार्टनर जो सॉल्वेंट पार्टनर है वो उसकी डेफिशिएंसी को अपने कैपिटल रेशियो में बॉन्ड करेंगे। दोबारा सुनो, इंसॉल्वेंट पार्टनर के डेफिशिएंसी जो अराइज होती है कैपिटल अकाउंट में, उसकी डेफिशिएंसी को अकॉर्डिंग टू गार्नर वर्सेस मरे रूल, उसकी डेफिशिएंसी को जो सॉल्वेंट पार्टनर हैं अपने कैपिटल रेशियो में उसकी डेफिशिएंसी को वो बॉन्ड करेंगे। ठीक है, मतलब उसकी कैपिटल डेफिशिएंसी के पैसे वो देंगे अपने कैपिटल अकाउंट से अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल रेशियो। ये जब होता है जब वन पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है और ऑल पार्टनर आर रिमेनिंग पार्टनर आर सॉल्वेंट। ठीक है, दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरे केस में ये होता है कि सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए बट एक सॉल्वेंट है, तो इस केस में क्या होता है कि जो सॉल्वेंट है पार्टनर एक, वो सभी इंसॉल्वेंट पार्टनर के कैपिटल के डेफिशिएंसी को वही भरेगा। मतलब जो सॉल्वेंट पार्टनर है उस पार्टनर की लायबिलिटी है कि वो उन सब पार्टनर्स के पैसे को भरे पार्टनरशिप फर्म में जो लॉस है। ये दूसरा केस होता है। तीसरा केस क्या होता है, जब ऑल पार्टनर आर इंसॉल्वेंट, मतलब कोई भी पार्टनर अब सॉल्वेंट नहीं है, सभी इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, तो अब कोई भी पार्टनर किसी की डेफिशिएंसी को नहीं भर सकता। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसके अंदर आप इसका अकाउंटिंग प्रोसीजर समझें, ज़रा गौर से सुनना। मतलब जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो कोई भी सॉल्वेंट पार्टनर नहीं है, तो जो फर्म के अंदर जो लॉस है, फर्म के अंदर जो लॉस है, या ऐसे कह सकते हो जो पार्टनर्स के जो डेबिट बैलेंस हैं, अब वो कोई दे नहीं सकता, तो उन डेबिट बैलेंस जो फर्म के अंदर लॉस होगा या उन पार्टनर्स का जो डेबिट बैलेंस अराइज होगा, उस डेबिट बैलेंस को अल्टीमेट क्रेडिटर्स भरेंगे। अब मतलब क्रेडिटर्स पे डाला जाएगा वो। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो एक फर्म के पास 1 लाख के क्रेडिटर्स हैं और फर्म का डेबिट सभी पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस मिलाकर आ रहा है 50,000 रुपये, तो इसका मतलब क्रेडिटर को 50,000 की पेमेंट हो जाएगी और 50,000 क्रेडिटर फोरगो करेंगे, मतलब क्रेडिटर 50,000 भरेंगे। तो इसे बोलते हैं ऑल पार्टनर आर इंसॉल्वेंट। इसका ज़रा प्रोसीजर समझें। इसका प्रोसीजर ये होता है, आप ना एज यूजुअल रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, बट रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिटर्स और बिल पेएबल को नहीं ट्रांसफ़र करोगे। हाँ, अगर कोई सिक्योर लोन है तो ट्रांसफ़र कर दोगे आप। ठीक है, पहला प्रोसीजर। दूसरा स्टेप सुनो, आप प्रोसीजर के अंदर दूसरा स्टेप सुनो। दूसरा स्टेप ये होता है कि जब आपका कैपिटल रिलेशन अकाउंट कंप्लीट हो जाए, उसका रिलेशन का लॉस निकाल के उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करो और कैपिटल अकाउंट एज यूजुअल बना दो। अगर कोई पार्टनर कुछ अमाउंट देना चाहता है देयर कैपिटल डेफिशिएंसी, तो वो ले लो। उसके बाद जो उनका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस निकल के आए, किसी का जो भी बैलेंस निकल के आए, उसको एक नए अकाउंट ओपन करो जिसका नाम है डेफिशिएंसी अकाउंट, उसमें ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होता है, जितना फर्म के पास कैश अवेलेबल है उस कैश से क्रेडिटर्स की पेमेंट करो जितनी हो रही है।
मान लो क्रेडिटर दो तरह के हैं, एक क्रेडिटर हैं एक बिल पेएबल हैं, तो दोनों का आप रेशियो बना लो, रेशियो बना के और रेशियो में पेमेंट करो। रेशियो कैसे बनाओगे ज़रा गौर समझो। मान लो क्रेडिटर 1 लाख रुपये के हैं और बिल पेएबल 50,000 के हैं, दोनों का रेशियो हो गया 2:1, 1 लाख और 50,000 का रेशियो 2:1 हो गया। तो जितना कैश है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कैश है, मान लेते हैं हमारे पास कैश है 60,000, तो जो 60,000 का कैश है वो 2:1 में बांटोगे तो 40 और 20, 40,000 क्रेडिटर को दे दो, 20,000 रुपये बिल पेबल को दे दो। जो इनका पैसा बचा है बैलेंस, जैसे क्रेडिटर के 60,000 बचे हैं और बिल पेबल के 30,000 बचे हैं, इनको भी डेफिशिएंसी अकाउंट में पहुँचा दो आप, ठीक है। और उसके बाद लास्ट स्टेप होगा, आप अपने डेफिशिएंसी अकाउंट को टोटल करो, डेफिशिएंसी अकाउंट आपका मैच हो जाएगा। इसको बोलते हैं व्हेन ऑल पार्टनर आर इंसॉल्वेंट, ठीक है। इसका प्रोसीजर बिल्कुल डिफरेंट होता है। पहले आप रिलेशन अकाउंट बनाओगे, मगर रिलेशन अकाउंट के अंदर आपको क्रेडिटर को ट्रांसफ़र नहीं करने और अनसिक्योर लोन को भी ट्रांसफ़र नहीं करना, सिक्योर को कर देना है। मतलब रिलेशन के थ्रू ना क्रेडिटर की पेमेंट होगी ना अनसिक्योर लोन की पेमेंट होगी, केवल सिक्योर लोन की पेमेंट होगी। हाँ, पार्टनर के लोन की पेमेंट तो भूल ही जाओ आप, ठीक है। पार्टनर के लोन को तो कैपिटल अकाउंट में डाल देना आप, ठीक है। उसके बाद रिलेशन अकाउंट कंप्लीट तैयार करो, रिलेशन अकाउंट से जो लॉस निकल के आए या प्रॉफिट जो भी निकल के आए उसे आप कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करो, कैपिटल अकाउंट एज यूजुअल तैयार करो। किसी भी पार्टनर का डेबिट बैलेंस आ रहा है या क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, जो भी आ रहा है उसको डेफिशिएंसी अकाउंट में आप पहुँचाओगे, एक नया अकाउंट बनेगा अलग से डेफिशिएंसी अकाउंट। इसी तरह से क्रेडिटर का, जो भी क्रेडिटर है, जितने भी क्रेडिटर हैं उन सब का आप रेशियो बनाओ और रेशियो में उस क्रेडिटर की पेमेंट करो। पेमेंट करने के बाद जो क्रेडिटर का बैलेंस बचेगा उसको आप डेफिशिएंसी अकाउंट में लेके जाओ और आपका डेफिशिएंसी अकाउंट ऑटोमेटिक लास्ट में मैच हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर यूज़ होता है जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को घर पे ट्राई करें, तैयार करके देखें। मेरे पास अभी बोर्ड नहीं है तो मैं सोल्व नहीं कर सकता, तो मैं अभी और वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, सोल्व करूंगा क्वेश्चन ऐसे करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।